हाँ जी गाइस, तो भाई स्वागत है फिर से एक और नए वीडियो पे। तो आज जैसे तुम फ्रेम में देख पा रहे होगे, वीडियो में देख पा रहे होगे, आज अपने पास है भाई दो दो बाइक्स। और दो दो बाइक्स कौन सी है? पहली तो है अपनी भाई TVS की अपाची RR310, जिसका कोई ऐसा बोल सकते हो ना कि लुक में मेरे को ऐसा लगता नहीं कि भाई इस प्राइस पॉइंट में इसका तो ही तोड़ है भाई। 300cc के सेगमेंट में बहुत प्यारी लगती है, खास करके भाई जो इसका रेड कलर है ना, ये बहुत प्यारा लगता है। फिर है दूसरी बाइक आज कंपैरिजन के लिए भाई अपनी यमहा की RN5M, जो भाई MotoGP एडिशन है, और ये है सिल्वर कलर पे, जिसको बोलते हैं भाई मेटेलिक ग्रे शायद से बोलते हैं, बट मैं इसको सिल्वर ही बोलता हूँ। और दूसरी अपनी है रेड। भाई वैसे यार एक बात मैं बोलूँगा, रेड और जो ब्लैक का कॉम्बिनेशन होता है ना भाई, बहुत प्यारा लगता है। अपना है सिल्वर और ब्लैक का कॉम्बिनेशन, और ये गाड़ी है रेड और ब्लैक की कॉम्बिनेशन पे। दोनों का आज हम बहुत प्यारा कंपैरिजन करने वाले हैं, और हम बताने वाले हैं कि भाई इन दोनों में ऐसा क्या है कि जो गाड़ी को सेगमेंट तो वैसे देखो स्पोर्ट और फेयर में ही है, बट इनका जो प्राइस पॉइंट और पावर है ना, इनको भाई अलग कर देता है। लगभग फीचर्स भी थोड़े बहुत ही डिफरेंस है भाई। एक मेरा मानना है कि जो गाड़ियों में ना महंगी महंगी बाइक्स हो या फिर कार्स हो, उनमें ना जो महंगे फीचर्स और जो ऐसे फीचर्स देंगे जो नॉर्मल डे लाइफ में यूज में नहीं आते हैं, मेरे को नहीं लगता कि वर्थ इट होता है। क्योंकि देखा जाए तो जो गांव के लोग होते हैं या फिर नॉर्मल शहर के भी लोगों, तो वो क्या यूज करते, ज्यादा फीचर्स यूज नहीं कर पाते। कार में कोई गाड़ी चलाते टाइम फीचर्स थोड़ी ना छेड़ेगा यार। तो इस गाड़ी में कुछ फीचर्स ऐसे दिए हैं जो इसमें नहीं दिए हैं, और इसमें एक आधा फीचर ऐसे दिए हैं जो इसमें नहीं दिए, बट दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस आता है। पहला तो प्राइस का, तो हम प्राइस बताने वाले दोनों का। ये लगभग अपने को ऑन रोड पड़ती है 3,10,000 की, और ये गाड़ी है जो पड़ जाती है अपने को 2,34,000-35,000 रुपए की ऑन रोड। ये शायद से दिल्ली NCR में भी है, और हमारे यहाँ भी लगभग प्राइस का ऑन रोड उतना ही डिफरेंस, ज्यादा डिफरेंस नहीं है। अब आप समझ सकते हो कि भाई इन दोनों में कितना बड़ा डिफरेंस पहले ही आ चुका है प्राइस का, क्योंकि ये भाई पड़ जाती है अपने को 3,00,000 के ऊपर, और ये पड़ती है अपने को करीबन 2,50,000 के आसपास। काफी बड़ा डिफरेंस है ये भाई। अब दूसरा कंपैरिजन मैं ये बताने वाला हूँ कि पहली जो अपनी TVS की अपाची RR310 है, इसमें भाई कितनी पावर आती है और कितने सीसी की है। तो भाई ये अपनी गाड़ी है 310cc की, मतलब एक्यूरेट बताऊं तो समथिंग 312cc की गाड़ी ये है। अपनी वाली कितने की? 155cc की RN5M। तो भाई यही पे जो होता है ना, प्राइस के साथ साथ पावर का भी डिफरेंस काफी ज्यादा आ चुका है। लेकिन मैं इनका कंपैरिजन इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि भाई अपने इंडिया में ना यही दोनों बाइक्स का जो क्रेज है बहुत ज्यादा है, और इन दोनों में थोड़ा बहुत कंपटीशन होता रहता है। फेयर्ड बाइक में बता रहा हूँ, नेकेड में भी तो बहुत सारा होता है, बट इस प्राइस पॉइंट में ना ये दोनों बाइक काफी एक दूसरे को टक्कर देती है। और कई लोगों को RR310 पसंद आती है, एंड मोस्ट ऑफ द पीपल लाइक्स RN5M। इस बाइक में 310cc के इंजन के साथ साथ 34 PS की पावर और 27 Nm का टॉर्क मिलता है, और अपनी RN5 में मिलता है भाई 18-18.5 PS की पावर और करीबन वही 14 Nm का टॉर्क मिलता है। तो भाई पावर और प्राइस में दोनों का वैसे तो कंपैरिजन नहीं है, बट देख सकते हो क्योंकि पर्सनली मुझे भाई ये दोनों बाइक बहुत ज्यादा पसंद। अपनी RN5 में मिलता है 170mm का ग्राउंड क्लियरेंस, और इसमें थोड़ा सा ज्यादा मिल जाता है, 180mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है। भाई दोनों का ना जो लुक है काफी स्पोर्टी है, और सीट हाइट आई थिंक सो कि दोनों की सेम है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है। मैं बैठ के दिखा देता हूँ। जैसे ये बाइक है, वैसे मेरी हाइट भाई 5'9" है, तो वैसे मेरे को प्रॉब्लम तो नहीं आने वाली है, बट देख लो तो दोनों में मैं अच्छे से पैर पा सकता हूँ। ये थोड़ी सी ज्यादा कंफर्टेबल अपने को मिल जाती है एज कम्पेयर टू RN5M, क्योंकि भाई इसमें क्या है ना कि थोड़ा सा हैंडल इसका ऊपर है, और सीट पोजिशन भी अपन आराम से बैठ सकते हैं, तो मेरे को इसमें ज्यादा लीन नहीं होना होता है, और नॉर्मल पीपल भी इसको चला सकते हैं। जैसे अपना मुकेश थोड़ा सा हाइट में कम है, बट पैर ऐसे करके पाता है, बट चला सकते हैं। अब मैं बैठ के दिखाता हूँ अपनी RN5M पे, और इसकी सीट हाइट भी मेरे को उसके जैसे लगभग सेम ही लगती है। जैसे आप देख सकते हो दोनों में मैं पैर थोड़ा बराबर ही पा रहा हूँ, तो सीट हाइट सेम है। इसमें थोड़ा सा अपने क्या होता है, इसमें थोड़ा सा लीन करना पड़ता है अपने को, झुकना पड़ता सामने के लिए, ये थोड़ा सा ज्यादा एग्रेसिव हो जाती है। उसमें थोड़ा सा नॉर्मल कंफर्ट मिल जाता है, बट इसमें थोड़ा सा अपने को रिस्ट की और बैक की प्रॉब्लम हल्की सी आती है, क्योंकि इसमें थोड़ा ज्यादा झुकना पड़ता है। सीरियसली बताऊं तो इसमें कंफर्ट रहता है मान सकता हूं, बट इसमें थोड़ा सा मेरे को पर्सनली बताऊं, मैंने दोनों गाड़ी चलाई, तारीफ नहीं करूंगी भाई मेरी बाइक है, तो मैं अपना खुद का ओपिनियन बता रहा हूं, क्योंकि मुझे ये ज्यादा पसंद आती है। थोड़ा सा इसमें आप एग्रेसिव होके चलाते हो ना, तो हाईवेज वगैरह में थोड़ा सा हेल्प भी मिलती है लीन करने पे, और नॉर्मल
कॉन्फिडेंस भी प्रोवाइड करता है भाई। जैसे अभी अपन कंपैरिजन कर रहे हैं तो अपनी RR 310 आगे चल रही है, बट R15 जो है थोड़ा सा पीछे चल रही है। तो अभी एक सबसे बड़ा कंपैरिजन मैं बताऊंगा जो लगभग लगभग सेम है, दोनों का टैंक कैपेसिटी। तो भाई दोनों की लगभग लगभग टैंक कैपेसिटी आती है भाई 11 लीटर की, बट इसकी टैंक थोड़ा मेरे को ज्यादा बड़ी लगती है एज कम्पेयर टू R15। वो छोटी लग रही मेरे को और ये बड़ी लग रही है, बट यहाँ पे जो अपना R15 है ना वो जीत जाती है। कैसे? क्योंकि उसका माइलेज अपने कंपनी क्लेम करती है 55 किलोमीटर पर लीटर का, और इसका कंपनी समथिंग क्लेम करती है 35 समथिंग का। तो भाई माइलेज में वो जीत रही है, तो इंडियंस इसको प्रीफर कर सकते हैं, मेरे जैसे लौंडे जिनके पॉकेट में पैसे नहीं रहते प्रॉपर से। तो भाई अब बात करते हैं अपने दोनों के गाड़ी के टायर्स के बारे में। तो लगभग लगभग दोनों में 17 इंचेस के अलॉय मिलते हैं दोनों बाइक में, तो अलॉयज में कोई भी डिफरेंस नहीं है, बट यहाँ पे डिफरेंस एक आता है अपने टायर्स के सेगमेंट पे। तो यहाँ पे मिल जाता है भाई अपने को 100/18 का 17 इंचेस पे अलॉय पे, ठीक है ना। और रियर में R15 में मिल जाता है 140/70 और R17 टायर सेगमेंट है। ये टायर का प्रोफाइल है फ्रंट और रियर का। तो फ्रंट में मिल जाता है अपने को 100/80 का और इसमें मिल जाता है 140/70 का। तो भाई अब बात करते हैं अपने अपाची RR 310 का। तो इसमें टायर प्रोफाइल मिलता है 110/70 का और 17 इंचेस के अलॉय के साथ। और रियर में अपने को आई थिंक सो कि 150 मिलता है, उससे एक प्रोफाइल ज्यादा मिलता है। तो इसमें मिल जाता है अपने को 150/60 और R17 का। तो टायर में भी काफी डिफरेंस है। कि लुक की बात करते हैं तो पर्सनली मेरे को लुक दोनों का पसंद है, बट सच बताऊं तो फ्रंट से अपाची RR 310 का लुक एक भी मेरे को पसंद नहीं है, क्योंकि फ्रंट से बहुत अजीब सी दिखती है। वहीं पे फ्रंट से लुक जो अच्छा लगता है R15M का लगता है, क्योंकि जब इसके DRLs जलते हैं ना भाई, मैं इसके पहले वाले वीडियो में बता चुका हूं, इसके जो DRLs वो थोड़ा ज्यादा अच्छे लगते हैं। बट उसमें क्या है, RR 310 में दो हेडलाइट दिए हुए हैं अलग अलग, और DRLs बहुत छोटे से दिए हुए हैं, तो मेरे को उतने कुछ खास पसंद नहीं आते हैं। और यहाँ पे इसके प्रोजेक्टर भी जल जाते हैं, तो फ्रंट से लुक तो बिल्कुल पसंद नहीं है मेरे को इसका। यहाँ पे मुझे अपाची RR 310 का जो साइड का लुक है ना वो मुझे ज्यादा अच्छा लगता है एज कम्पेयर टू R15M का। इसका साइड का थोड़ा सा बल्की लगता है और मस्कुलर सा लगता है। साइलेंसर मेरे को दोनों के पर्सनली नहीं पसंद, साइलेंसर मुझे पसंद है KTM का, क्योंकि RC में जिस तरीके से साइलेंसर को अंदर बैली छुपाया जाता है ना वो बहुत सेक्सी लगता है, क्योंकि साइड से वो समझ में नहीं आता है। तो भाई दोनों बाइक्स में अपसाइड डाउन अपने को मिल जाता है शॉकर, USD शॉक्स भी इनको बोलते हैं। तो दोनों भी गोल्डन कलर के हैं दोनों में, जैसे आप देख सकते हो, तो इसमें ज्यादा डिफरेंस नहीं है। दोनों बाइक्स में डुअल चैनल ABS आते हैं, तो भाई ये बहुत अच्छी बात है। अच्छा एक चीज मैंने नोटिस अभी की है भाई, अपनी RR 310 में जो फ्रंट डिस्क ब्रेक है वो उधर लेफ्ट साइड दिया हुआ है, बट वहीं पे इसमें अपने R15 में आप देख सकते हो राइट साइड दिया हुआ है। तो एक ये मेरे को डिफरेंस ना अभी भी पता चला, बट रियर के दोनों एक साइड ही दिए हुए हैं। हाँ एक डिफरेंस है शायद से मेरे को लगता है, कि जो इसका फ्रंट वाला डिस्क कैलिपर है ये थोड़ा सा एज कम्पेयर टू अपाची उसके R15 के बड़ा है थोड़ा सा। इसमें LED इंडिकेटर्स आते हैं और उसमें भी अपने LED साइड इंडिकेटर्स आते हैं, हेडलाइट का भी LED सेटअप है, और उसमें डुअल प्रोजेक्टर दिया हुआ है और इसमें सिंगल ही दिया हुआ है। अपाची RR 310 का मैंने लाइट थ्रो नहीं देखा है हेडलाइट्स का कैसा है, बट उसमें डुअल दिया हुआ है, तो मेरे को लगता है कि इसके कंपेरिजन में उसका थ्रो ज्यादा ही होगा, क्योंकि इसमें सिंगल प्रोजेक्टर लाइट हेडलाइट दिया हुआ है और उसमें डुअल दिया हुआ है जिसका बैक लाइट है। पर्सनली मैं बताऊं तो बैक से मेरे को इसका लुक उतना अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि यार इसका जो हगर है ना टायर हगर देखो कितना बड़ा दिया हुआ है, इसमें भाई पानी की बूंदे तो क्या हवा भी मेरे को लगता है ढंग से पास ना हो पाए, इतना बड़ा हगर टायर तो दिखता ही नहीं पीछे से इसका। वहीं पे अपना जो R15 का ना इसका हगर ना बहुत छोटा सा टायर अगर इसको बोलते हैं तो बहुत छोटा सा और डिसेंट तरीके से दिखाया गया और बनाया भी गया, तो इसका क्या होता है ना बैक से थोड़ा सा लुक भी उतना अच्छा लगता है, बट उसका मेरे को टायर अगर पर्सनली पसंद नहीं आया। इसके बैक लाइट में जो ये DRLs दिए हुए ये भी पूरा LED सेटअप है, कोई भी हैलोजन सेटअप नहीं है, ये LED कंटिन्यू जलती रहती है आप इग्निशन ऑन करोगे तो। और वहीं पे अगर मैं आपको दिखा दूं ब्रेक मारने पे, जब अपन ब्रेक प्रेस करेंगे ऐसा जलने वाला ब्रेक प्रेस करने पे, तो ओवरऑल मैं बताऊं तो मेरे को ठीक लगे, उतने खास नहीं है क्योंकि बहुत बड़ा दिया हुआ है पूरे में इतना फैलाया हुआ है, यहाँ पे जलता इतना ही है। इसका मैं इग्निशन ऑन करता हूँ और ये देखो, तो भाई इसका कुछ ऐसा लुक है। इसके कंपैरिजन में ना इसकी जो बैक लाइट है ना ये बहुत छोटी दी हुई है, और हालांकि ये भी भाई LED है, LED सेटअप दिया हुआ है पूरा बैक लाइट में, लेकिन इसका जो थोड़ा क्लासी लगता है क्योंकि भाई नॉर्मल जितना अपना यूज में है ना उतना है। और इसका अगर मैं ब्रेक प्रेस करता हूँ तो ये देखना जल गई, ये देखो,
ब्रेक प्रेस करने में ऐसा आ रहा है लुक इसका। दोनों गाड़ी के जो मीटर सेटअप है उसका बात करते हैं, क्योंकि दोनों में थोड़ा सा अलग अलग आता है। इसका जो है ना थोड़ा सा भाई आप देखोगे ना तो इसका थोड़ा सा वर्टिकल आता है, जैसे लगता है जैसे किसी ने, जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरा ये एंड्रॉयड फोन है तो आप ये देख लो दूर से तक कोई डिफरेंस समझ में नहीं आएगा, ऐसा लगेगा जैसे दोनों फोन ही है, तो किसी ने यहाँ पे फोन का डिस्प्ले ही लगा दिया है पूरा सीधे सीधे करके। इसका थोड़ा सा हॉरिजॉन्टल और इसका टीएफटी थोड़ा सा ज्यादा क्लासी लगता है देखने में, क्योंकि इसमें ना ऑटो डिमिंग दिया हुआ है, शायद से उसमें ऑटो डिमिंग दिया है कि नहीं दिया मेरे को नहीं पता उतना अच्छा, बट इसमें ऑटो डिमिंग दिया हुआ है। इसमें सब कुछ एक डिसेंट तरीके से सिंपल वे में दिखाया गया है, क्योंकि इसमें गियर भी बताता है कि कौन से गियर पे है और वो काफी अच्छा शो करता है, स्पीड भी काफी अच्छी शो करता है। यहाँ पे फ्यूल मीटर मिल जाता है, यहाँ पे टाइम भी शो कर देता है गाड़ी, यहाँ पे अपने को गिने चुने कुछ और फीचर्स मिलते हैं, जैसे कूल टेम्परेचर बता देता है कितना है, करंट फ्यूल कितना है और एवरेज फ्यूल कितना है वो बता देता है, और यहाँ पे एवरेज स्पीड हमने कितनी कवर की, ऑडियो ट्रिप वन और यहाँ पे ट्रिप टू, बस इतना ही है यहाँ पे और ज्यादा कुछ नहीं है, बाकी नॉर्मल से दिया हुआ इंडिकेट करने। और अपने अगर अपाची में देख लिया जाए तो अपाची में भी ज्यादा कुछ नहीं है, नॉर्मल जितने फीचर्स हैं वो इसमें भी है। इसमें भी गियर इंडिकेट करता है, फोन इसमें भी कनेक्ट होता है, टेम्परेचर बता देता है, फ्यूल बता देता है कितना ज्यादा है, और अगर यहाँ पे हम मोड चेंज करें तो यहाँ पे अर्बन मोड मिल जाता है जैसे मैंने बताया था, यहाँ पे रेन मोड, स्पोर्ट और यहाँ पे ट्रैक में मिलता है, ट्रैक से ऐसे जो रेस वगैरह के लिए होता है वो मिलता है। रेंज बता देता है कितना गाड़ी की रेंज है और यहाँ पे कूलेंट टेम्परेचर भी बता देता है और आरपीएम भी यहाँ पे कितना है वो बता देगा, टाइम इसे भी शो करता है। तो देखा जाए तो नॉर्मल दोनों में फीचर सेम है, बस इसमें एक मेजर डिफरेंस मेरे को ये लगता है कि इसमें काफी मोड्स दिए हुए हैं, रेन का अलग दिया हुआ है, सिटी का अलग दिया हुआ है, इको अलग दिया हुआ है, इसमें कोई भी मोड्स नहीं दिए गए हैं, इसमें नॉर्मल ही है। अभी हम चेक करेंगे कि इसका मैक्स टू मैक्स आरपीएम कितने आरपीएम तक, ये इनिशियल जो होता है ना कि नॉर्मल आप जब गाड़ी स्टार्ट करोगे तो ये कितने आरपीएम तक इसका मैक्स टू मैक्स रेव होती है गाड़ी, तो वो चेक करते हैं अभी अपन। यहाँ पे अभी फोकस कर रहे हैं आप कितने जाती है, कितने 1000 आरपीएम तक जाती है। भाई साहब ये पूरा भाई मैक्स 12000 आरपीएम तक इसमें दिया हुआ है और वहां तक गई है। अभी अपन ट्राई करते हैं अपने R15M का, इसका इग्निशन ऑन है, अभी इसका चेक करते हैं कि इसका मैक्स टू मैक्स आरपीएम कितना खींचती है गाड़ी। स्टार्ट किया, यहाँ पे थोड़ा नोटिस करना, भाई साहब वो तो अपना जितना भी उसका आरपीएम मीटर में दिया हुआ है वो पूरा गया 10000 आरपीएम तक ही गया है और ये गया है पूरा 12000 आरपीएम तक। तो भाई आई होप सो आपको ये शॉट पसंद आए हो, और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना और जितना ज्यादा हो सके शेयर करो, और कमेंट करके बताना अगर ऐसे कुछ वीडियो चाहिए हो या फिर वीडियोज में कुछ अच्छा ना लगा हो बताना मेरे को। मेरा ऐसा मन था एक नॉर्मल कंपैरिजन वीडियो करने का, तो मैंने वो कर दिया, माइंड में एक डाउट था ये सारी चीजों को लेके, भाई एक वीडियो इसमें भी डालता हूं मैं, क्योंकि अपने पास दो दो के दोनों बाइक है तो इसलिए मैंने ये वीडियो शूट किया। तो मिलते हैं भाई अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। इग्निशन ऑन ही चला गया इसका, मैं क्यों हमेशा बंद कर देता हूं, बंद कर, पूरा बंद कर, पूरा बंद कर। तो भाई इसलिए मैं कहता हूँ जब भी तुम वीडियो शूट करो तो कम से कम उसका इग्निशन तो बंद करो। अरे मेरे को नहीं पता कि ऐसा इतनी प्रॉब्लम है, नॉर्मल डीआरएल वीडियो तुम शूट कर रहे हो, अरे आधे घंटे भी नहीं हुए, मैं तो जब से तब से ऑन है, ऑन तो था। तो भाई इसलिए बोलते हैं शूट करो इग्निशन, इसलिए बोलते हैं भाई कि शूट करो। के पास सारे जुगाड़ है, गाड़ी में नई एक महीने की गाड़ी, अरे हो गया।